हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन सो वीकेंड है संडे है रियली really सॉरी आप लोग को दो घंटा गो थ्रू करना पड़ेगा सो आई जस्ट गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट सो माई नेम सादर्श अग्रवाल आई एम क्वालिफाइड एक्चुअली फेलो इन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअलीज आर एम चार्टर एज वेल एज मेरा सी एफ ए का दो लेवल भी कम्प्लीट हो गया है हालांकि पिछले हफ़्ते ही मेरा सी एफ ए का एग्जाम भी था सो आई गेव माई सी एफ एल लेवल थ्री लास्ट वीक ओनली सो आई एंड करेंटली हियर आई एम आई हैव थ्री पॉइंट फाइव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एक्चुअल रियल फील्ड आई एम वर्किंग विद यू आई करेंटली एज अ कंसल्टेंट देर तो आई थिंक ये मेरा इंट्रोडक्शन था एंड आप लोग को भी अपने बारे में कुछ लिखना है तो आई विल गिव यू टू मिनट्स ऑफ टाइम जस्ट टेल मी अबाउट वॉट यू आर पर्सुइंग लाइक आपने आप एफ आर एम ही कर रहे हैं कि एफ आर एम के साथ कुछ और भी कर रहे हैं लाइक आई आई वुड लाइक टू नो टू अंडरस्टैंड बेटर कि हाउ टू गो अबाउट द कोर्स राइट नाउ

शी एम एफ आर एम ग्रेट वॉट अबाउट यश आर एम चलो बढ़िया चलो तो लेट्स इनिशियली लेट्स मतलब आप लोग एफ आर एम कर रहे हैं तो आप लोग मेरे को चार मेजर रिस्क के बारे में बताइए एफ आर एम में जो पढ़ाया जाता है वॉट आर द चार मेजर फोर मेजर रिस्क दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अवेटिंग रिप्लाई मार्केट क्रेडिट ऑपरेशंस कुछ शिवम घड़ी मा गुड एक रिस्क आप सब मिस कर रहे हैं घड़ी आप दो मिस कर रहे हैं ठीक है क्रेडिट शिवम ने बोल दिया है एक और रिस्क है नो डिफॉल्ट तो नहीं है तो <laughs> so, एक और आई आई वोट टेक मच टाइम सो इट्स लिक्विडिटी रिस्क लिक्विडिटी रिस्क मिस करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरली ऑन क्रेडिट रिस्क विच इज चैप्टर फोर ऑफ वैल्यशन एंड रिस्क मॉडल्स दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रेडिट रेटिंग्स नाउ आई है क्वेश्चन फर्स्ट फॉर फॉर ऑल ऑफ यू आप लोग को बेटर होगा कि आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ वो कॉपी करें बट इन्श्योर कि आप लोग पहले मेरा बात सुनें फिर कॉपी करें आई गिव यू टाइम अगर साथ में कॉपी करेंगे तो वेल एंड गुड बट सुनना भी जरूरी है अगर माथा में छप गया तो कॉपी में छापने का जरूरत नहीं पड़ेगा सो या स्टार्ट। सो देर अ ईशोर ओके देर एज आशोर ए देर अ आर बी दोनों का दोनों को टेंथ या बॉन्ड्स इशू करना है आप लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे बोलिए मेरे को वो वैलड रीज़न चाहिए ये मत बोलेगा मेरा नाम ए से शुरू होता है मेरा नाम बी से शुरू होता है तो मैं इस पर इन्वेस्ट करूँगा अगर आपको कुछ भी आइडिया लग रहा है या आप क्या करेंगे ये बोलिए क्या करना चाहेगी राइट हाँ सो पूजा बोल रही है कि बाकी क्राइटेरिया देखना होगा सिर्फ नाम देख के डिसाइड नहीं हो सकता है क्या आप लोग इसके साथ सहमत हैं गरीमा अग्रीड चलो नाइस सो बाकी क्राइटेरिया कैसे देखेंगे आप लोग क्या करेंगे बाकी क्राइटेरिया देखने के लिए कंपनी का रेटिंग्स देखेंगे जैसा पूजा ने अभी कहा कंपनी का रेटिंग्स देखेंगे तो ये हो गया एक्सटर्नल रेटिंग्स और, और क्या कर सकते हैं हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट हाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉडो ये कंपनीज कर रही है मतलब कंपनी ए है कंपनी बी है दोनों दस करोड़ का बॉन्ड इशू कर रहे हैं हाँ रिटर्न भी देखेंगे बट हम लोग ये देखेंगे हम लोग को हम लोग को एज पर रिस्क सोचना है रिस्क क्या है उसमें मेन रिस्क क्या है बॉन्ड इशूज में मेन रिस्क क्या होता है डिफॉल्ट रिस्क राइट हाँ तो मेन रिस्क होता है डिफॉल्ट रिस्क तो जैसे पूजा ने कहा कि हम लोग रेटिंग्स देखेंगे वो हो एक्सटर्नल रेटिंग्स और एक तरीका होता है जो हम लोग ख़ुद से एनालाइज करेंगे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज़ करेंगे उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेंगे कोलेट्रल देखेंगे कि कैसा है लेवल ऑफ सीनियरिटी देखेंगे पहले बॉन्ड्स इशूड है कि नहीं कि नया बॉन्ड इशूड है अगर नया इशूड है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा केपेबल होगा पे करने का क्योंकि पहले जो बॉन्ड्स इशूड है उसको पे करेगा कोई फिर तुमको पे करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड अदर देन दैट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो गया वो देखेंगे कंपनी का हाँ कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये सब चीज़ें बेस्ड होगा तो इंटरनल रेटिंग्स तो समझ में आता है सब ये सब देखेंगे बट क्या सबके पास वो एक्सपर्टीज होता है सब कुछ देखने का बैंक्स के पास होता है डेफिनेटली बैंक्स कर सकते हैं इंटरनल रेटिंग्स बट सबके पास तो नहीं होता तो यहाँ आता है आपका एक्सटर्नल रेटिंग्स तो दो टाइप का रेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल एंड इंटरनल तो इंटरनल रेटिंग्स बहुत ही छोटा पार्ट है इस चैप्टर का मेजरली इट्स कवर्ड बाई एक्सटर्नल रीटिंग्स ओनली सो इंटरनल रेटिंग में आ जाएगा आपका ऑल्ट मैन ऑल्टमैन जेड स्कोर ये इंटरनल रेटिंग में आ जाएगा इसका बात मैं करूंगा अलग से बट पहले अपने आते हैं एक्सटर्नल रेटिंग्स में सो so, एक्सटर्नल एक्षटर, रेटिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है पहला पॉइंट तो ये कि हम लोगों के पास एक्सपर्टीज नहीं है उतना तो मतलब अपने एक्सटर्नल रेटिंग्स में रिलाय करते हैं अब सोच रहे हो हम लोग एक एक्सटर्नल रेटिंग के बेसिस में किसी और कंपनी का बेसिस में हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग को इन्वेस्ट करना है कि नहीं तो लेवल ऑफ ट्रस्ट कितना ज़रूरी है उस कंपनी के लिए तो इसलिए वो कंपनी का इंडिपेंडेंस ज़रूरी होता है उसका ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ज़रूरी होता है वो लोग का ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी होता है अब एक्सटर्नल रेटिंग्स का पैसा कौन देता है मतलब कौन कराते है रेटिंग्स कंपनी कराते है या हम लोग कराते हैं इन्वेस्टर्स कराते हैं क्या किस किसको कराना चाहिए हम लोग को चाहिए पूजा बोल रही है हम लोग कराएंगे इन्वेस्टर्स कराएंगे आप लोग क्या लगता है गरिमा बोली इन्वेस्टर्स को लाइक टू आंसर बट ही कराते हैं ओके ग्रेट ग्रेट गरिमा हाँ गरिमा सही बोल रही है कंपनीज़ ही कराते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स कोई भी इन्वेस्टर क्यों चाहेगा मतलब इन्वेस्टर्स हलाखों होते हैं राइट तो कोई एक इन्वेस्टर पैसा देगा तो उसको तो रेटिंग को तो सबको पता चली जाएगा तो तुम बोले कि हम क्यों दे पैसा कोई और देगा तो हर एक इन्वेस्टर यही सोचेगा तो कंपनीज को खुद ही रेटिंग कराना पड़ता है वो एक स्मॉल फ़ी पे करते हैं रेटिंग एजेंसीज कंपनी को और फिर वो लोग उस कंपनी को रेट करते हैं अब वो जो अब कोई कंपनी क्यों देगा फ़ीस अब ये बताओ रेटिंग एजेंसी को क्यों फीस देगा क्यों कॉस्ट उठाएगा बेकार का हम्म 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 क्या फायदा होगा वो रेपुटेशन दिखाने से हम्म हम्म राइट right, हाँ ठीक है एक पॉइंट है ये और भी पॉइंट्स है हाँ लिक्विडिटी तो है इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट ट्रस्ट बिल्ड हो हाँ चलो ठीक है हाँ मेनली फॉर इन्वेस्टर्स ट्रस्ट अब क्या होता है अब आप लोग आप लोग को, लो को अगर हम मैं अगर बोलूँ आप लोग को पैसा लगाने तो आप लोग कहाँ लगाओगे एक कंपनी जिसका ट्रस्टेड रेपूटेशन है कि एक कंपनी जिसका जो ट्रस्टी है क्रेडिट वर्धन लो है उसका राइट right. किस पे लगाओगे ट्रस्टवर्ती में और आप रिटर्न किससे ज़्यादा मांगोगे ट्रस्टवती से रिटर्न हायर दैट इज हायर दैट दबाउट कंसेप्ट तो किससे रिटर्न ज़्यादा मांगोगे हाँ राइट right. उससे ज़्यादा रिटर्न मांगोगे तुम भाई मेरा पैसा डुबा सकते हैं हम तुमको क्यों दे तुम मेरे को ज़्यादा रिटर्न देगा राइट right. तो क्रेडिट कंपनीज रेट कराते है क्योंकि वो लोग कम कॉस्ट में कम क्रेडिट स्प्रेड में अ टर्म दैट इज कॉइंड एज क्रेडिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड जो जो जिसका क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा होता है उसका क्रेडिट स्प्रेड लो होता है और जिसका कम होता है उसका क्रेडिट स्प्रेड ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिस्क प्रीमियम डिमांड करते हैं है ना तो इसलिए तो इस वे में कंपनीज अपना कॉस्ट भी कम कर सकते हैं अपने आपको रेट करा के दूसरों से अलग दिखा सकता है कि हाँ उससे बेटर है तो हम क्यों तुमको उतना कॉस्ट है जितना वो दे रहा है हम कम में बॉडो करेंगे तो ये मेन रीजंस होते हैं अपने आप को रेट कराने का अब ये फी बेस्ड जो है कंपनीज़ का फ़ी बेस्ड जो कराते हैं तो इसमें तो क्या लगता है आपको रेटिंग एजेंसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कंपनीज ही पैसा दे रही है और वो कंपनीज को ही रेट कर रहे हैं हो सकता है हाँ पैसा दे सकते हैं वो रेटिंग एजेंसी पे डिपेंड करता है राइट इट की रेटिंग एजेंसी कितना ट्रस्टवर्दी है और क्या है क्योंकि फी तो कंपनी दे रहा है तो वो लोग चाहेगा कि मतलब हम लोग का क्लाइंट्स तो रहे पैसा तो कमा रहे हैं अल्टीमेटली सब तो पैसा कमाने ही बैठे हैं आप लोग ही पढ़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए ही तो कंपनी जब पैसा देती है तो वो लोग एक्सपेक्ट करती है कि, कि रेटिंग एजेंसीज हम लोग के हिसाब से ही रेट करें और यही मेन इशू है टू थाउजेंड एट नाइन क्राइसिस के बारे में पता है आप लोग को पता है आप सबको पता है जो वीडियो में गरिमा से मेन रीजन टू थाउजेंड एट नाइन में जो क्राइसिस हुआ था कि कंपनीज जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स बना रही है जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं इन अदर सब्जेक्ट्स सो जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है तो वो वो लोग रेटिंग एजेंसीज को पैसा दे रहे थे कि आप लोग मेरे इसको रेट कीजिए तो रेटिंग एजेंसीज अपना क्लाइंट रखने के लिए दे वेर रेटिंग हायर इसका दो रीज़न्स है तो एक रीज़न ये है कि दे वेर रेटिंग हायर कि हम लोग क्लाइंट रिटेन कर ले आप लोग ने अगर बिग शॉट मूवी देखा होगा तो उसमें भी यही कहा गया है तो इसलिए सब लोग ने हायर रेटिंग दे दिया कंपेयर टू देयर रिस्क एंड फिर सब ने इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्टर्स ने जिनका उतना रिस्क प्रोफाइल नहीं था एक रैशनल इन्वेस्टर हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है ओके दे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स राइट रिस्कर्स रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क टेकिंग सो वी आर कंसिडरिंग रिस्क एवर्स इन्वेस्टर विच इज रैशनल तो वो लोग के लिए तो नुकसान हो गया मतलब कि फिर बाद में जब डिफॉल्ट हुआ तो साथ में ही सब ने डिफ़ल्ट किया इंस्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स तो फिर जब डिफॉल्ट हुआ तो एक लिक्विडिटी क्रंच आ गया दो है नाइट नाइन में जिसके वजह से एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज को बहुत बहुत क्रिटिसाइज किया गया एंड उसके बाद ही एक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ विच वॉज डॉट प्रैंक एक्ट और एक ऑफ uh, मैं मिटा रहा हूँ तुम लोग को अगर कॉपी कुछ करना है कुछ तो बोल देना मतलब कि मिटाने से पहले वरना सो डॉट प्रैंक एक्ट आया उसमें क्या कहा गया कि अब तुम लोग को रेटिंग एजेंसी को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मेंटेन करना होगा देर विल बी अ लाइबिलिटी अटैच्ड फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एज़ वेल ऑन द रेटिंग एंड ऑल्सो एक ऑफिस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी बनाया गया थ्रू एस सी सी ऑफिस ऑफ टू मोनिटर द रेटिंग एजेंसीज तो ऑफिस ऑफ रेटिंग एजेंसीज बना गया बनाया गया थ्रू एसी टू मॉनिटर द रेटिंग एजेंसीज नाउ सो टू इंश्योर दैट कि वापस से ऐसा कोई क्राइसिस ना हो और रेटिंग एजेंसीज अपना बहुत ही इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काम करे कि हम लोग क्लाइंट रखने के लिए पैसा कमा रहे हैं तो को रेटिंग में यही दोनों का मैंशन है आई डोंट थिंक इसका डिटेल्स में आपको जाने का दरकार है नाम आ सकता है तो नाम मैंने बता दिया है बस इसको याद रख लेंगे दट्स इनफ तो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट एक्सटर्नल रेटिंग्स एंड क्या उसका हिस्ट्री था क्या हुआ एंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये इतना ओके okay? कोई क्वेश्चन है एनी क्वेश्चन पूजा नो अदर पीपल गरिमा नो शिवम का क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर क्लास कितना बजे तक चलेगा आपको कितना बजे तक चलाना है शिवम बोलो <laughs> <laughs> कहीं जाना है बाहर जाना है संडे है तो ओके सो कोई नहीं शिवम जल्दी ख़त्म करूंगा जितना हो सके एंड आई थिंक इट विल टेक वन एंड हाफ आवर मोर लाइक एक तक आप सपोज कर सकते हो जाना चाहिए सो या आई एम मूविंग ऑन आई डिलीट दिस अच्छा आप लोग एक बार नोट्स में ये लिख लो क्या क्या मतलब देखता है वो लोग क्योंकि अलग से कराने का इसका मतलब नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंट्रोडक्शन में लिख लो रेटिंग एजेंसीज क्या क्या देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है कंपनीज का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स seniority ऑफ डेट issued और क्या देखते हैं कोलेट्रल देखता है कोलेट्रल है कि नहीं क्वालिटी ऑफ कोलेट्रल क्वालिटी लिख लेना है यहाँ पे याद है क्वालिटी देखता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखता है कंपनी का अगर किसी को मेरा हैंड राइटिंग बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी हेल्प इट गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखता है और और एक एक्स्ट्रा मैं अपने मन से लिखा रहा हूँ क्योंकि ये देखता है बट कोड में मेंशन नहीं है आर एम प्रैक्टिस ऑफ कंपनी कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसा है एक बार कॉपी हो जाए तो बोलना और नोट्स थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा इट विल इन्श्योर यू टू रिवाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार पढ़ के मतलब ये क्लास के बाद एक बार चैप्टर गो थ्रू कर लो दैट वुड बी इनफ एंड डिविजन के लिए नोट्स यूज़ करना आई थिंक दिस चैप्टर विल बी मोर कवर्ड मोस्ट रॉबली सो एक बार कॉपी हो जाए तो कन्फर्म कर लेना डन गरिमा से ओके okay. और अगर ठीक है मैं मिटा रहा हूँ और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ फ़ोटो ले लो कोई कर सकते हैं इससे ओके ग्रेट थैंक यू पूजा चलो ग्रेट सो so, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एक्सटर्नल रेटिंग्स का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज सो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज़ एंड रेटिंग्स ठीक है, सो कितने कंपनीज uh, मेरे को बताओ इंडिया में इंडिया में कोई कंपनीज जो रे, रेट करते हैं हाँ रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया ऑल्सो टॉपिक के बाहर है नहीं दरकार है जानने का सो डोंट फील डिस आई जस्ट वांट टू शेयर नॉलेज एनी आइडिया ना ना मनी कंट्रोल नहीं एनीवन वन yeah? गरिमा शिवम रोहित यश ओके सो आई डोंट थिंक तो देर इज क्रिस्सेल देर इज इकड़ा इन इंडिया हु हेल्प्स कंपनी रेट देम सेल्व सो इन इंडिया दिज आर टू और सिंस ये यू एस का एफाडेमीज यू एस बेस्ड कोर्स तो इंडिया का बात हुआ नहीं है सो नो वरीज सो इस चैप्टर में तीन कंपनीज का पार्ट हुआ है मेजरली देर्स मूडीज देयर्स एस एन पी एंड देयर्स पिच पिच और एस एन पी का रेटिंग सेम होता है तो इसमें कुछ करना नहीं है बस एस एन पी एंड पिच ऐसे याद कर लो मैं कंपनी का नाम याद नहीं करना है वो भी मतलब हो जाएगा अब रेटिंग्स कैसे कैसे होते हैं सो so, आप लोग जब स्कूल में थे सी जी पी आता था ग्रेड्स आता था तो सबसे बेस्ट ग्रेड कौन सा होता था ए बी सी डी में ए बी सी डी वैसे ही है सिंपल सबसे बेस्ट क्या होगा रेटिंग ए ए इसमें भी ए अब ज़्यादा ये अच्छा है कि कम ये अच्छा है ज़्यादा ये अच्छा है तो चलो इसमें तीन ऐसे आ जाए इसमें छोटा ही आता है सॉरी मूडीज में छोटा ये आएगा और इसमें बड़ा ये आएगा सो so ये हो गया टॉप का रेटिंग ओके okay? उसके बाद आ जाएगा ए ए ए ए, उसके बाद ए उसके बाद ए उसके बाद बी अब इसमें आएगा ए ए और इसमें आएगा बी 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 एंड सो ऑन ठीक है सो so ऑन मतलब डी तक ही है ज्यादा नहीं डी मतलब डिफॉल्ट गया भोग में पैसा आ, वो सीनियॉरिटी पे बेस्ड है तुम जो बोल रही है सीनियर मेजनाइन एंड टर्शियरी ऐसा कुछ ना वो कंपनीज इशू करता है उसका मैं बता रहा हूँ उसका भी रेटिंग्स होता है तो वो बेस्ड ऑन सीनियोरिटी होता है कंपनीज मतलब बोलता है कि पहले हम सीनियर वाले को पैसा देंगे अगर हम डूबे तो पहले हम सीनियर वाले को देंगे फिर मेजनाइन वाले को देंगे फिर जूनियर को देंगे वो कंपनीज अपना खुद से स्ट्रक्चर करते हैं अपना इशूज़ बट रेटिंग एजेंसीज ऐसे नहीं करते रेटिंग एजेंसी रेट करते हैं उसका उस बॉन्ड का क्रेडिट वर्दीनेस बताते हैं बट ऑब्वियसली ये लिंक है यहाँ पे कि मतलब सीनियर का क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा होगा क्योंकि वो सीनियर है सबसे पहले कंपनी उसको देगा अब सपोज कंपनी डूब गया लिक्विडेट हो गया और अब एसेट्स पूरा रिकवर नहीं हुआ जितना लाइबिलिटीज है सपोज सौ का लाइबिलिटीज था पचास रिकवर हुआ सीनियर तीस था मेजा चालीस था और तीस जूनियर था तो तीस जूनियर तो पूरा गया मेजा में बीस रिकवर होगा बीस नहीं होगा सीनियर पूरा रिकवर हो गया और बीस मेजर का रिकवर होगा पचास एसेट खत्म राइट तो इस हिसाब से सीनियर मेजा एंड जूनियर होता है बट वी कैन इग्नोर दैट राइट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दीज रेटिंग्स तो ये बेस्ट है ठीक है ऐसे जा रहा है डी तक जा रहा है यहाँ पे सी 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 होता है नहीं यहां पे भी सी ए होता है यार मैं क्या करूं सी ए होता है यहाँ पे सी 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 होता है अब ये रेटिंग जो है इसके अंदर एक और सब डिविजन भी है तो वो क्या है ये ऐसे ही रहता है टॉप वाला ट्रिपल ए ट्रिपल ए अब ये हो जाएगा ए, ए, ए वन ए ए टू ए ए थ्री वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा ए ए प्लस ए ए, ए, ए माइनस ऐसे ये सबका नीचे में आएगा ये मतलब मैं इसका इतना ही लिख रहा हूँ नहीं तो क्लमजी हो जाएगा बेकार का ठीक है तो ऑब्वियसली ए वन यहाँ पे अब बेटर है वहाँ पे ए प्लस बेटर है प्लस है क्योंकि ऑब्वियसली बेटर होगा और माइनस इसी मतलब इसी सेक्शन में ए है बट ए प्लस से ए से नीचे है तो ऐसे सब डिविजन्स भी होते हैं अब मैं बता रहा हूँ ये जो यहाँ पे बी 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 माइनस आएगा ना और यहाँ पे आएगा बी ए थ्री इसके जो ऊपर है ये सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स इसका स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड लो रहता है ठीक है एनी क्वेश्चन ले मैं एक बार चार्ट देख ले रहा हूँ नो क्वेश्चन क्रेडिट स्प्रेड लो गरिमा ओके हाँ चलो स्प्रेड के बारे में मैं आपको बोला नहीं हूँ वो टॉपिक आएगा बट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड इज बेस्ड ऑन रिस्क राइट कंपनी का कितना रिस्क है तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स है इन्वेस्टमेंट ग्रेड है मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि मतलब अच्छा गुड ग्रेड बॉन्ड्स तो ऑब्वियसली रिस्क प्रीमियम लो होगा है ना तो रिस्क प्रीमियम लो तो स्प्रेड लो मैं स्प्रेड के बारे में आपको बताऊंगा। आप एक बार इसको लिख लो यहाँ पे मैं इसके साथ इस नोट्स के साथ इसको लिखाना चाहता था इसलिए मैं लिखा हूँ। मैं बताऊंगा। वो भी है और डिटेल में आई थिंक नॉट नो मोर क्वेश्चन शिवम ये बाद में डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी अभी एक बार ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं ठीक है या सो और ये दिस इज इंक्लूसिव ऑफ बी बी माइनस ओके इसके ऊपर सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड और ये सब जो है ये सब आ गया जंक बॉन्ड्स जंक बोलते हैं इसको कचरा जंक इसको हाईड बॉन्ड्स बोलते हैं इसको स्पेक्यूलेटिव ग्रेड बोलते हैं राइट right? और कोई नाम है तो मैं वो भी लिखा देता हूं एक मिनट हाई इल्ड बॉन्ड्स हाई इल्ड मतलब हाई क्रेडिट स्प्रेड राइट नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स और नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में यहाँ जगह नहीं बचा है जगह तो ला दूंगा बढ़िया छूट दिखेगा नहीं आप लोगों आजकल का टेक्नोलॉजी ठीक है तो so, इसका स्प्रेड्स हाई होता है आर वी गुड और ये है लॉन्ग टर्म रेटिंग्स मैं बोलना भूल बोल गया माई फॉल्ट ये है लॉन्ग टर्म रेटिंग्स और मेजरली यही काम आएगा शॉर्ट टर्म रेटिंग्स उतना काम भी नहीं आते हैं मतलब एग्ज़ाम परस्पेक्टिव सेविडेंट कॉपीड चलो अब शॉर्ट टर्म रेटिंग्स में फटाफट बता देता हूँ अच्छा नहीं अब शॉर्ट टर्म रेटिंग्स में फिर से मूडीज एस एन एस एन पी एंड पिच ओके तो so, ये बहुत सिंपल है इसका पी वन होता है शॉर्ट टर्म रेटिंग कि, किसको बोलता है पहले ये बताइए आप लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस आप लोगों को पता है ये ज़्यादा जरूरी जा, जा, जानना हम्म ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया बोलो क्वार्टर वाइज हाँ मान सकते हैं क्वार्टर वाइज मंथली वाइज जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं विद इन वन ईयर विद इन वन ईयर हाँ विद इन वन ईयर ऑफ टर्म उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं एंड इट्स मेनली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड लॉन्ग टर्म हो गया बॉन्ड्स नोट्स ये सब का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया जैसे कमर्शियल पेपर एंड क्रेडिट क्रेडिट नोट्स ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया वो सब उतना रिक्वायरमेंट नहीं है सो इट्स जस्ट मतलब इसमें दिखाया बोला है को रीडिंग में बोला है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सो मूडीज में होता है पी वन पी टू पी थ्री एंड देन एन पी दिस एन पी इज़ नॉन प्राइम एस एन पी में होते हैं एफ वन या ए वन क्या था एस एन पी का ए वन है ए वन ए टू ए थ्री एंड फिर बी सी डी ये नॉन प्राइम के साथ जो है वो आ गया बी सी डी और इसका आ गया पी वन ए वन हो गया तो ये एफ वन होगा एफ टू एफ थ्री एंड इसका भी है फिर बी सी डी बस ये सीधा नॉन प्राइम बोल देता है ये शॉर्टकट मार रहा है सीधा नॉन प्राइम बोल के और यहाँ पे ये लोग और सेग्रीगेशन कर रहे हैं बी सी एंड देन डिफॉल्ट बी सी एंड देन डिफॉल्ट ओके आई डोंट थिंक इससे इस कुछ और याद रखते हैं ऑब्वियसली टॉप वाला बेस्ट रेटिंग है सबसे कम लीड उसका कम स्प्रेड उसका होगा सबसे सिक्योर वो होगा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर को वो पसंद आएगा सबसे ये बी और सी वाले पसंद आएंगे रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स को क्योंकि वो लोग को रिस्क लेना पसंद है स्प्रेड ज़्यादा होगा रिटर्न ज़्यादा मिलेगा बट नुकसान का चांसेस भी ज़्यादा है सो मूविंग ऑन अब हम लोग आते हैं इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोग को वैसे वो बताइए नहीं चलो ग्रेट अब प्रोबेबिलिटीज़ में आते हैं दिस द फन पार्ट किसका प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग था क्लास ट्वेल्व में आप लोग सब कॉलेज भी तो होंगे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किस में आप ओके दैट्स ग्रेट बाकी लोग फर्स्ट ईयर ओके सब फर्स्ट ईयर तो अभी अभी प्रोबेबिलिटीज पढ़े ही होंगे आप लोग रिसेंटली चलो बढ़िया सो yeah. so, आप लोगों को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज और नॉन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज पता है पता है गरिमा को पता है शी सेज यस यश थर्ड ईयर ओके ग्रेट यश सो लेट्स स्टार्ट प्रबाबिलिटीज़ uh, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो वहाँ जो बुक में जो दिया हुआ है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं थोड़ा सिंपल वे में लिख रहा हूँ तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए जस्ट टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटीज़ फिर वो हम लोग उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे तो सपोज बॉन्ड ए रेटेड बॉन्ड ही है चलो मान लेते हैं या ये है बॉन्ड लिखा यार ये है बॉन्ड ये ए डेटेड है और ये है ईयर यहाँ पे वन टू टू थ्री फोर फाइव तो मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूँ ठीक है सपोज़ इसका हो गया ज़ीरो पॉइंट फोर इसको हो गया ज़ीरो पॉइंट थ्री ले लो ज़ीरो पॉइंट पॉइंट टू ले लो पॉइंट ज़ीरो सेवन फाइव ले लो ओके okay, मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्यूमलेटिव लेके मैं खुद ही गड़बड़ लिख रहा हूँ इसका पॉइंट सेवन ले लो इसका पॉइंट नाइन ले लो इसका पॉइंट नाइन सेवन फाइव ले लो इसका वन ले लो ऑल ये वन होना जरूरी नहीं है ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको वन तक लेके गया हूँ ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ईयर में डिफ़ॉल्ट करेगा ही करेगा डिफ़ॉल्ट तो नहीं भी कर सकता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्यूमिटिव प्रोबिलिटीज हमेशा वन हो तो इसका ध्यान रखना सो so नाओ ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ है इससे क्या हम लोग को पता चल रहा है कोई बता पाएगा आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं गरिमा यश रोहित इफ़ यू वांट इससे क्या पता चल रहा है क्या इससे ये पता चल रहा है कि बॉन्ड ए है वो टाइम टू पे डिफॉल्ट करेगा ये पता चल रहा है उसका प्रोबेबिलिटी है ये कि ये उसका प्रोबेबिलिटी है कि बॉन्ड ए टाइम टू तक मतलब टाइम टू तक डिफॉल्ट कर देगा पॉइंट सेवन क्या है? ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट है राइट है ना डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटीज़ है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो पॉइंट सेवन है इसका मतलब ये है कि कंपनी टाइम टू पे डिफॉल्ट करेगा टाइम टू पे एग्जैक्टली exactly, या कंपनी टाइम टू तक डिफ़ॉल्ट कर सकता है ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ है याद रखना अब बताओ सेकेंड ईयर पर डिफॉल्ट नहीं करेगा सेकेंड ईयर तक डिफॉल्ट करेगा गरिमा तो द आंसर इज अगर ये पॉइंट टू लेते हैं अपने कंसिडरेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफॉल्टिंग इन टू ईयर्स मतलब विद इन टू ईयर्स इज जीरो पॉइंट सेवन ऐसे ही विद इन थ्री ईयर्स इज जीरो पॉइंट नाइन वैसे वैसे ठीक है अब प्रोबेबिलिटी ए विल डिफॉल्ट इन टाइम टू ये कैसे निकालेंगे ये बताओ हम्म वन माइनस जीरो पॉइंट फोर तो मतलब हो गया कि मतलब जीरो पॉइंट फोर चांस है वन पे डिफॉल्ट करेगा और बाकी वन ये पूरा हो गया मतलब टाइम टू पे भी कर सकते थ्री पे भी कर सकते है फोर पे भी कर सकते है फाइव कर सकते हैं तुम निकाल रही है पी ए डिफॉल्ट ग्रेटर देन वन हाँ आप लोग भी आंसर कीजिए मैं देख रहा हूँ आंसर्स गरिमा ने सही आंसर दिया है शिवम ने सही आंसर दिया है नहीं 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 ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं ए लिख रहा हूँ सिर्फ लेस देन टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन वन राइट ये देगा इक्वल्स टू टू है ना तो दिस विल बी ज़ीरो पॉइंट सेवन माइनस जीरो पॉइंट थ्री क्या छो जीरो पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट फोर होगा जीरो पॉइंट थ्री ओके ठीक है मैं एक बार ये मिटा दे रहा हूँ लिख लिया सबने okay. तो अब हम लोग सिंगल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं कि क्यूमुलेटिव था अब ये नॉन क्यूमुलेटिव है यहाँ पे क्या आएगा ग्रेट यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट थ्री हम लोग ने डिस्कस किया है यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा टाइम थ्री राइट आप लोगों का आंसर है क्या आएगा जीरो पॉइंट टू ग्रेट ये हम शायद बात का भी आंसर देने लग गया बढ़िया जीरो पॉइंट ज़ीरो टू फाइव सो ये नॉन कम्युनिटिव प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डिफॉल्टिंग एट टाइम फोर एक्स पॉइंट जीरो सेवन फाइव ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डिफॉल्टिंग विद इन टाइम फोर इक्वल टू पॉइंट नाइन सेवन फाइव ओके चलो गुड तो यह जो प्रोबैबिलिटीज है यह है नॉन कंडीशनल प्रोबैबिलिटीज नॉन कंडीशनल प्रोबैबिलिटीज तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होता है बताइए एनी आइडिया कंडीशन प्रोबेबिलिटीज क्या होता है हम्म हाँ मतलब हाँ तुम सही जा रही है बट प्रॉपर नहीं है ठीक है मैं समझ रहा हूँ मतलब तुम जानती है बट ठीक है एनी वेडी कंडीशन प्रोबेबिलिटीज़ कि एक के डिफ़ॉल्ट करने पे दूसरा का चांस बढ़ नहीं 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 दूसरा से रिलेटेड अभी कुछ नहीं है उसी बॉन्ड का बात हो रहा है ए का ओके okay? सो so, चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं तुम लोग क्लास ट्वेल्व में प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी पढ़ा था मेरे को नोटेशन से जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत जन को नोटेशन अच्छा लगता है बट uh, ये नॉर्मली भी समझा जा सकता है सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर एनी नोटेशन या नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है लॉजिक भी समझाऊंगा सो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी कैसे निकलते हैं एनी आइडिया मेरे को पता याद नहीं हुआ मेरे को भी उस समय याद नहीं था हाँ वो वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट हो गया इंडिपेंडेंट टर्म्स का तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होता तो फिर वो होता क्योंकि ये लोग दोनों एक दूसरे पे मैटर मतलब वो नहीं करता है बट यहाँ पे मैटर करेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज़ किया वो समझाता हूँ ठीक है यहाँ तक सबको समझ में आया ए इंटरसेक्शन बी बाय हाँ शिवम गुड गरिमा गुड यश बी आई होप ठीक ही होगा नहीं तो वो डाउट लिख देता चलो तो अब एफ आर एम वाला हम लोग से पूछेगा एग्जाम वाले लोग कि बताओ ये टाइम थ्री पे डिफॉल्ट करेगा गिवन ये टाइम टू तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया है प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट एट टाइम थ्री गिवन डिफॉल्ट इज ग्रेटर देन टाइम टू मैं डिफ़ॉल्ट को डी लिख रहा हूँ एक बार हाँ एनी आइडिया कैसे होगा नंबर्स भी लिख सकते हो नोटेशन देना जरूरी नहीं है पॉइंट नाइन से शिवम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम थ्री नहीं शिवम पॉइंट नाइन तो नहीं आ रहा है पॉइंट नाइन नहीं है और किसी ने लिखा नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ तो ऊपर का तो सिंपल है प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट है टाइम थ्री है ना अब आप लोग पूछोगे कि इसमें इंटरसेक्शन कहाँ पे है राइट तो प्रोबेबिलिटी वो डिफ़ॉल्ट करेगा टाइम थ्री इसका मतलब कि वो टाइम टू और टाइम वन पे डिफॉल्ट नहीं किया है इसलिए वो टाइम थ्री पे डिफॉल्ट करेगा तो इंटरसेक्शन तो है ही दोनों चीज़ का अब गिवन लगाना है गिवन वो प्रोबेबिलिटी टाइम टू पे डिफॉल्ट नहीं करता है तो गिवन टाइम टू तक डिफॉल्ट नहीं करता है राइट right? तो इसका क्या होगा वन माइनस पॉइंट थ्री होगा या वन माइनस पॉइंट सेवन होगा क्यूमलेटिव लगेगा या वो लगेगा सिंगल वाला mm -hmm. मतलब प्रोबेबिलिटी दिस इज ग्रेटर देन टू दिस शुड बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी डी लेस देन इक्वल टू टू ये सिंपल हुआ अब क्या है ये क्यूमलेटिव प्रोबेबिलिटी राइट right? है ना मैं कैमरा से बाहर चला गया ये पॉइंट पौ, ये सेवन है राइट वन माइनस पॉइंट सेवन गुड गरिमा फॉर्मूला से होगा क्या शिवम मैं समझा नहीं मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप फॉर्मूला से होगा वो मतलब फार्मूला फॉर जस्ट बिकॉज आप लोग को समझ आए थोड़ा बेटर भोजन को नोटेशन से समझ आता है मैंने इसलिए दे दिया बट इसमें सीधा यही है मैं एग्ज़ाम की तरफ से बोल दे रहा हूँ आप लोग ये सब करने तो बैठोगे नोटेशन लिखने तो उसका मैं तरीका बता दे रहा हूँ ये ये तो ठीक है तो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट क्या था टू डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट थ्री ठीक है पॉइंट टू बाई थ्री होगा सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन सिक्स सेवन परसेंट आता है तो उसको मैं ज़्यादा टान नहीं रहा हूँ तो आप लोगों को क्या करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आता है कि अच्छा आप लोग ने ये क्वेश्चन ये लिख लिया है मतलब ये डेटा डेटा लिखा है ना तो एक क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉर्ड डिफॉल्टिंग एट टाइम फोर गिवेन इट डिन डिफॉल्ट टिल टाइम थ्री लिख लिया कैलकुलेट करके बोलना चाह मैं अभी करता हूँ पॉइंट जीरो बोलना कैलकुलेट करके गरिमा हैज गिवन द राइट आंसर गुड गरिमा और ये चाहो तो अपने नोट्स में इसका आंसर और मतलब वो लिख लेना बाद में रेफरेंस के लिए काम आएगा क्या आंसर आएगा गरिमा पूजा ग्रेट 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 पूजा गुड तो उसका आंसर है ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव सेवेंटी फाइव परसेंट ये याद रखना हमेशा एक ट्रिक है मतलब ट्रिक नहीं है बेसिक थिंग है हमेशा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना वो अनकंडीशनल नॉन कम्युनिटी प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा आएगा उस टाइम का क्योंकि हम लोग डिवाइड बाय वन से लेस करते हैं हमेशा तो वो ज़्यादा ही आएगा तो कहीं अगर कम आ रहा तो है तो आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है ठीक है ये एक टेक्निक है सो कंडीशनल एंड नॉन कंडीशनल क्लियर है आप लोग को ओके okay. चलो एक बार आप लोग के पास बुक कौन सा है कोई बुक है मैट uh, या कुछ यार एम उसका गार्ब का है मैट आप लोग के पास एक बार उसका पेज नंबर टेबल फोर पॉइंट थ्री ये खुल जाए तो रिप्लाई करना पूजा देखना ना यस बोलेगी वो लोग क्या जैस मैं दिखा दूँ कि मतलब टेबल कैसा दिखता है एक्चुअल में नहीं तो आप लोग बोलोगे इन्होंने तो एक ही लाइन पढ़ाया था इतना सारा कैसे आ गया चैप्टर फोर एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिएट रेडिंग्स पेज नंबर बता रहे पेज नंबर फोर्टी फाइव गार्प मटेरियल का टेबल फोर पॉइंट थ्री एंड फोर पॉइंट फोर दोनों देखेंगे ठीक है एवन रेडी ओके ग्रेट तो आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने रेटिंग्स बताया ट्रिपल ए लेफ्ट साइड में है ऊपर डिफॉल्ट ईयर्स है वन टू फिफ्टीन टेबल 4.3 में टेबल 4.3 में वैसे ही दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है डिफॉल्ट so आप देख सकते हो कि वो इंक्रीजिंग होगा ट्रिपल ए का देखो जीरो पॉइंट जीरो टू मैंने क्या कहा था वन तक जाए जरूरी नहीं है और एक्चुअली ये वन तक नहीं है ये परसेंट में दिया हुआ है आप देख सकते हैं नीचे जीरो फोर है तो इट्स इन परसेंट तो पॉइंट नाइन टू परसेंट है वो ओके वन पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट है मैंने यहाँ परसेंट लेके नहीं कराया मैंने डायरेक्ट ये ले लिया इसको फोर्टी परसेंट होगा या सेवेंटी परसेंट होगा या नाइन्टी परसेंट होगा क्योंकि डेसिमल्स में करना ईजी होता है कंपेयर टू परसेंट तो मैं डेसीमल्स में करता हूँ तो पर यहाँ पर ये यह परसेंट में दिया हुआ है तो ठीक है देखते हैं ट्रिपल ए का भी वैसे ही है और तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बॉन्ड मतलब डिग्रेड हो रहा है वैसे वैसे डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ रही है टाइम वन पे देख लो सी 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 में देखो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट नाइन चला गया है सीधा वैसे ही ये क्यूमुटिव टेबल हो गया इसमें ज्यादा कुछ नहीं है यही है बस इससे हो सकता है नॉन कंडीशनल प्रोबाइलिटी निकालने हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने हैं जो आप लोग को अब आता है अब एक बार हम लोग ये अनकंडीशनल परसेंटेज डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज भी देख लेते हैं टेबल फोर पॉइंट फोर तो इसमें आप देख सकते हो ज़ीरो फिर पॉइंट जीरो थ्री फिर पॉइंट वन तो ये ऐसे ही आया है चूमलेटिव का टाइम थ्री माइनस टाइम टू पॉइंट वन होगा टाइम थ्री पे नॉन कंडीशनल में तो पॉइंट वन है राइट फॉलो कर पा रहे ठीक है तो ऐसे ये एक एग्जांपल था अब इसमें और एक चीज़ मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ ऑल ये चीज़ बाद में है बट इसमें अब अभ, अभी आप लोग के दिमाग में बेटा बैठेगा अब आप लोग अगर टेबल फोर देखें तो इसमें देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हैं उसका इंक्रीजिंग है इनिशियल फोर फाइव इयर्स देखिए इंक्रीजिंग डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज़ है ओवर द इयर्स, है ना? और सीसीसी सी का देखें जो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड है वो सब का देखें तो वो डिक्रीजिंग है इनिशियल ईयर्स में तो ऐसा क्यों एनी वन सो सपोज़ कोई हार्ट पेशेंट है ओके हार्ट पेशेंट है उसका इलाज होने वाला है रिसेंटली उसका एक ऑपरेशन है अगर वो वो सर्वाइव कर गया तो वो अच्छा करेगा तो हाइल्ड पॉइंट्स भी ऐसे ही होते हैं कि इनिशियली आप लोग को इंश्योर करना है कि आप लोग इनिशियल स्टेज में अगर सर्वाइव कर गए तो आप बाद में भी सर्वाइव कर जाएंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड से क्योंकि इनिशियली वो लोग को ज़्यादा खतरा होता है है ना अगर उस समय संभाल लिया तो बाद में भी तो संभाल ही लेगा क्योंकि बाद में तो और टाइम रहेगा संभालने के लिए और यही चीज़ उल्टा होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में जैसा आप लोग देख पा रहे हैं ओवर बढ़ सकता है क्या पता बाद में बिगड़ जाए अभी तो बहुत अच्छा है भाई सब अच्छा है कल कोई स्कैम कर दे बिगड़ गया कुछ भी हो है, में तो, तो हम लोग देखते हैं कि है दोनों नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का इंक्रीजिंग होता है तो डिक्रीजिंग होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का इंक्रीजिंग होता है डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज एनी डाउट एनी डाउट्स मैं शोर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स का डिफॉल्ट का डिफॉल्ट हिंदी में लिख लो चलेगा अनस्ट्रक्चर नोट्स है का डिफ़ॉल्ट प्रोबिलिटी ज़्यादा समझ में आएगा बल्कि का डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटीज इंक्रीजिंग होता है ओवर द ईयर्स एंड नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का डिक्रीजिंग होते हैं प्लीज़ रिपीट विच पार्ट ये नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेट वाला जो डिक्टेशन दिया अभी ओके सो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स का डिफॉल्ट प्रोबेबलिटीज ओवर द इयर्स इंक्रीजिंग होता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज ओवर दर्स डिक्रीजिंग होता है और तुम लोगों अगर सेंटेंस लिखने का मन नहीं है कुछ नहीं है तो यू कैन यूज एडोज मतलब बहुत हेल्पफुल होता है स्ट्रैटेजी शिवम पूछ रहा था ना एक स्ट्रैटेजी ये है कि जितना नोटे जितना एडोज ये सब यूज कर सके जितना शॉर्ट कर सके उतना शॉर्ट कर करो कंटेंट को टेंशन लेवल बढ़ेगा सो आई थिंक कंडीशनल नॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कवर्ड है कवर्ड हो गया है ये मैंने लिखा दिया है डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटीज़ डिक्लाइंस विद पैसेज ऑफ टाइम चलो बढ़िया मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ अब हैजर्ड रेट्स ये थोड़ा बेचीदा कॉन्सेप्ट है बट ठीक है जो है सो है तो हैजर्ड रेट क्या हो गया डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी का भाई हो गया बस हैजर्ड हैजर्ड रेट होता है वो बहुत छोटा टाइम पीरियड के लिए होता है मतलब इंस्टेंटेनियस इफ आई से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफॉल्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ही बट बट एकदम इंस्टेंटेनियस वाला कि मतलब हाँ कर, अभी डिफॉल्ट हो गया अभी बात करते करते कोई डिफॉल्ट कर दिया उसको बोलते हैं हैजर्ड रेट इतना आप लोग पकड़ लो इसका मेन डेफिनेशन आने वाला भी नहीं है इसका मेन कैलकुलेशन आएगा इट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफॉल्ट विद इन डेल्टा टी इसको डेल्टा बोलते हैं ओके ये ट्राइंगल डेल्टा टी इसका मतलब क्या हुआ चे हाँ चेंज इन टाइम इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम टी प्लस डेल्टा माइनस माइनस टाइम टी ठीक है टाइम टी हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं डेल्टा टाइम टी प्लस टी डेल्टा यहाँ हो गया ठीक <laughs> है सो ये सो इसका एक फार्मूला है ठीक है वो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा टी नहीं मैं टी लिखता हूँ इजी होगा बेकार का कंफ्यूजन पड़ेगा डेल्टा टी से टी इन एच अच्छा हाँ इसको इसको हम लोग एच डिफाइन करेंगे हेज रेट को ओके एच ठीक है ये हो गया सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी मतलब टाइम टी तक डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा आई रिपीट टाइम टी तक डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा ये ये निकाल रहा है ये डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है कि टाइम टी तक डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा बार बार मैं ये बोल रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन ये माइनस है यहाँ पे तो वन बाय एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल टी इन टू एच बट आई प्रिफर दिस वन ओनली बेकार क्यों वन बाय लिखना है माइनस लगा दो ये सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ये बोलता है वही जो हम लोग निकाल रहे थे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट विल बी लेस देन विल बी लेस देन इक्वल टू होगा विल बी ग्रेटर देन टाइम टी ठीक है वन माइनस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग बाय टाइम टी ओके समझ आया ठीक है पूजा तो अब डिफ़ॉल्ट प्रोवार्ड, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सॉरी yeah, स्पेलिंग के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव ही बात कर रहा हूँ मैं अभी मैं अभी नॉन क्यूमुलेटिव का बात नहीं कर रहा हूँ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इतना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना होगा सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी रोहित क्वेश्चन सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आप वही समझो कि डिफॉल्ट नहीं हो रहा है मतलब बच रहा है सर्वाइवल क्या मतलब सर्वाइवल का मतलब क्या होता है बचना डिफॉल्ट नहीं होना राइट right. गुड गरिमा नहीं नहीं नहीं, नहीं. Uh, आपका क्लियर हुआ रोहित डाउट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या होता है इट्स अ टर्म पॉइंट बाय या सर नहीं मेरे को सर मत बोलो यार भैया बोलो जो बोलो <laughs> सर बहुत अजीब लग रहा है सुनने में एनी वेज डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी सो 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 डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी पूजा ने सही कहा वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी इंटू एच एक्सपोनेशियल टी इन एच नहीं होगा ये यही रहेगा वन माइनस होगा ठीक है गरीमा तुम्हारा ये गलती हुआ था तुमने उसको सोचा कि वो ऊपर ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ़ नीचे वो वैसे नहीं होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्टे आता है क्योंकि आप लोग आप अगर उसको वैसे करोगे और उसको प्लस करोगे तो वन में कभी नहीं जाएगा और प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होना चाहिए राइट या तो डिफॉल्ट करेगा या बचेगा है ना हाँ तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ये रहा कॉपी हो गया इसका मैं एक क्वेश्चन भी करा दूंगा जो सब कंटेन करेगा ठीक है आ, चले आगे ओके सो अब हम लोग को निकालना है ये तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकला था राइट जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी निकला था वो क्यूमुलेटिव डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी निकला था माइनस एक्सपेंशियल माइनस टी एंड टू एच ये क्यूमिटिव निकला था राइट right? अब नॉन क्यूलेटिव कैसे निकालेंगे इससे सपोज मैं टाइम तुम लोग को टी मत लिखो तुम लोग इससे अच्छा बेटर है टाइम थ्री ले लो एंड टाइम टू ले लो बेकार टी लिख लिख के कन्फ्यूजन होगा टाइम थ्री एंड टू है अब बताओ कि नॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग एट टाइम थ्री मेरे को बताओ कैसे निकलेगा पहले का ही नॉलेज यूज है कुछ ज्यादा करना नहीं है टाइम थ्री माइनस टाइम टू का हाँ चलो गुड गड़ी मोलो बाई नहीं माइनस वो कंडीशनल था तुम जहाँ जा रही है हाँ है ना इसमें कन्फ्यूजन होता है दोनों सी सी है ना एक्क्यूमलेटिव कंडीशनल ठीक है क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगेगा आ, सो 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 अब मैं कर देता हूँ जैसा गरिमा ने कहा टाइम थ्री का प्रोबेबिलिटी माइनस टाइम टू का तो अब चलो इसको ओपन करते हैं हाँ अब टाइम थ्री का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री इंटू एच ठीक है और इसका क्या होगा वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टू इंटू एच ठीक है अब मैं वन वन काट दूँ वन माइनस हो रहा है यहाँ पे अलाउड है परमिशन ग्रांटेड चलो वन वन काट दिया तो अब यहाँ पे माइनस है तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा ओके okay? तो so, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस टू इंटू एच माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री इंटू एच ठीक है फेयर इनफ अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देखो हम लोग उस समय बात कर रहे थे यहाँ पे गलती होगा स्कोप है गलती होने का जब हज़ार रेट देते हैं ना या तो याद कर लो या कंसेप्ट समझ लो जब हज़ार डेट्स देते हैं तो छोटा जो डेट है ना वो पहले आता है माइनस बड़ा डेट होता है ठीक है हम लोग उस समय कर रहे थे टाइम थ्री माइनस टाइम टू तो हम लोग वही करके आ जाएंगे हाँ कर लेते हैं माइनस थ्री इंटू एच माइनस टू इंटू एच गया नहीं वो आपको पता चल जाएगा नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आएगा तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है आना राइट तो इसका जो फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है माइनस टी वन इंटू एच माइनस एक्सपोनेशियल माइनस टी टू इन टू एच तो ये टी वन टी टू बहुत झमेला है अगर ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो टी वन हमेशा छोटा होगा टी टू से ठीक है

ऑफ़ डिफ़ॉल्ट टाइम टू इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री अब तुम लोगों को बोला है हजार डेट निकालो निकाल निकल जाएगा तो गड़ी में आपको या तो अनम्यूट करना पड़ेगा कुछ बोल रहे हो तो ठीक <laughs> है आप लोग सोचो मैं एक मिनट पानी पी के आ रहा हूँ हाँ भैया just... एक हैंड दे देता हूं एक्सपोनेंशियल का उल्टा क्या होता आप है आप लोगों को पता है राइट right. उससे होगा सोचो सोचो थोड़ा बताता हूँ तो। हाँ तो आया कुछ समझ में कैसे होगा क्या होगा किसी को ट्राई करने कि मैं बताऊं पूजा पूछा शिवम शिवम तो चला ही गया ठीक है कोई बात नहीं आ जाएगा यश रोहित हाँ गरीमा एच का वैल्यू निकालना है हज़ार रेट का राइट रोहित लॉक से होगा आप सही जा रहे हो तो चलो मैं बता देता हूँ सो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ये है इसका मतलब क्या है विद इन टू ईर्स ठीक है इसको ऐसे कर देते हैं हाँ सो वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टू इंटू एच इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री ठीक है ये मैंने ठीक लिखा है okay, ओके चलो तो एक्सपोनेंशियल माइनस टू इंटू एच इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सेवन ठीक है अब एक्सपोने एक्सपोनशियल को भी उधर ले जाता हूँ मैं तो माइनस टू इंटू एच इक्वल्स टू एलेन ज़ीरो पॉइंट सेवन ठीक है सिंपल इक्वेशन है एकदम एच इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू इंटू एलेन जीरो पॉइंट सेवन ओके जीरो पॉइंट वन सेवन एट ठीक है पूजा बोल रही है जीरो पॉइंट वन सेवन एट क्या आप सब पूजा से सहमत है रोहित सहमत है गरिमा आपने निकाला कैलकुलेटर से कैलकुलेटर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ओके okay? कैलकुलेटर का सब कुछ आना चाहिए आप लोगों को तो ज़ीरो पॉइंट वन सेवन एट एच है ठीक है हाँ हालांकि ज़्यादा है रीज़नेबलनेस देखे तो बट ठीक है मेरा मन से फिगर्स लिया हुआ था तो कैन इग्नोर दैट हाँ तो हज़ार रेट्स में ये सब कैलकुलेशंस है तो मैं एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर करके दे देता हूँ आप लोग को आप लोग वो कीजिएगा सो लिखिए गिवेन द डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी विद इन नाइन ईयर्स ज़ीरो पॉइंट सेवन इसको ज़ीरो पॉइंट फोर कर दो सेवन ज़्यादा हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर फिर एक वन दे मतलब पॉइंटर दे कैलकुलेट द हैजार्ड रेट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग विद इन फाइव ईयर्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग एट टाइम सिक्स अच्छा इसमें और एक कंसेप्ट था कंडीशनल का वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन लिख लो कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग At time seven, given there was no default till time six, there was no default till time six. आई थिंक दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन जो सारा प्रैक्टिस करा देगा आपको हज़ार डेट्स का कंडीशनल वाला मैं बता दे रहा हूँ मैं भूल गया था तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने को पता ही है स्टार्टिंग से क्या होता है है ना तो हम लोग जो अभी तक हज़ार डेट्स से निकाले सारे नॉन नॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज थे जो मतलब टी वन माइनस टी टू की है नॉन कंडीशनल थे अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं वही सेम चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग एट टाइम टू टाइम टू गिवेन टाइम थ्री ले लेता हूँ डिफ़ॉल्ट इज़ ग्रेटर दैन टाइम टू ठीक है ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गया तो इसका क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एट टाइम थ्री डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ग्रेटर दैन टाइम टू मतलब दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल है ना तो इसको लिख सकते हैं अपने एक्सपोनेंशियल माइनस टू इंटू एच माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री इंटू एच डिवाइड बाई नीचे क्या होगा हाँ क्या आएगा वो अभी किया ग्रेट गुड गरिमा एक्सपोनेंशियल माइनस टू इन टू एच ये हो गया आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी सो बहुत ही सिंपल चीज़ है मतलब ऊपर नीचे बस नचार है अपने को तो ठीक है नाचना पड़ेगा एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं तो ये था हजार रेट्स के बारे में एनी क्वेश्चन ऑन रेट्स एच को मैंने वो स्टार्टिंग में लिखा है ना इंस्टेंटेनियस डेट ऑफ डिफॉल्ट एट टाइम टी एंड बिटवीन टाइम टी एंड टाइम टी प्लस डेल्टा टी वही हो गया हजार रेट तो टी एंड डेल्टा टी यहाँ पे जैसे है यहाँ इसमें निकला है टाइम थ्री एंड टू उसमें हमेशा हम लोग टाइम जीरो पे खड़े होते हैं थर्ड ईयर में प्रोबेबिलिटी क्या है तो थ्री ले लेते हैं अपने डायरेक्ट अपने वो टी लेना चाहते हैं डेल्टा टी लेना चाहते हैं बट उसके जगह अपने टाइम जीरो पे ही खड़े हैं ना तो थ्री ले लेते हैं ये चीज़ ये चीज़ एक्चुअलीज में है बहुत अच्छे से बट अभी करा के फायदा नहीं है तो हज़ार डेट्स हो गया क्वेश्चन दे दिया आप प्लीज़ क्वेश्चन क्वेश्चन मैं कराऊं कि आप लोग खुद से ट्राई करेंगे फिर मैं अगला दिन देख लूँगा खुद से ट्राई कीजिए बेटर रहेगा आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर होगा अभी तो आप मेरे कमांड पे चल रहे हैं खुद कमांड लीजिए क्यों चाहिए हजार डेट हजार डेट निकल जाएगा उससे फर्स्ट वाला लाइन से आपका हजार डेट निकल जाएगा हजार डेट निकल गया तो मैं कैमरा में आ जाता हूँ तो आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन से आपका हजार डेट निकल रहा है राइट तो उससे हजार डेट निकल रहे तो फिर उसके बाद आपका सारा प्रोबेबिलिटीज जो भी प्रोबेबिलिटीज चाहिए निकल जाएगा कहीं का भी कभी कभी, कभी चाहिए तो हजार डेट में निकल गया आपका है ना अब आपको बताना है दिखाना है कि कौन सा प्रोबाबलिटीज़ आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे ये आप लोग सोचिए आप लोग कीजिए मैं नहीं हेल्प करूंगा इसमें अभी ठीक है चलो बढ़िया नाउ वी मूव ऑन टू अच्छा एक कंसेप्ट दिया हुआ है इसमें बस जान लो कोरिलेशन बिटवीन है ठीक है मैं बताता हूँ ये रिकवरी रेट्स रिकवरी रेट्स रिकवरी रेट से क्या पता चल रहा है आप लोगों मतलब बहुत सिंपल टर्म कोइंड है रिकवरी सबको पता होता है रिकवरी का मतलब तो बताइए क्या होता है रिकवरी रिकवरी कब होता है जब चोट पहुंचता है जब चोट पहुंचता है तब रिकवरी होता है राइट तो चोट का कैसे पहुंचेगा किसी इन्वेस्टर को लॉस कैसे होगा कंपनी वो तो वो तो स्टॉक्स में चला गया ना बॉन्ड्स का तो फिक्सड इनकम आना है रिडेम्पन आना है तो बॉन्ड्स में कैसे लॉस होता है इन्वेस्टर का मेन लॉस मतलब ऐसे लॉस बहुत तरीका का होता है बट मैं अभी मेन लॉस का बात कर रहा हूँ मेन लॉस क्या होगा सबसे बड़ा नुकसान क्या है बॉन्ड्स इन्वेस्टर के लिए नहीं, 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 राइट डिफॉल्ट डिफॉल्ट करिएगा तुम वो जाए हम पैसा नहीं देंगे चलेगा सबसे बड़ा नुकसान तो वही है ना कि डिफ़ॉल्ट किया हुआ पैसा मिल जाएगा हाँ गड़ी मार तो so, रिकवरी है जब कंपनी डिफॉल्ट करते हैं बैंक होते हैं तो हम लोग ने देखा होगा कि कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस होता है एसेट्स बिकता है सारा भले ही पूरा दाम ना मिले एसेट्स का पर बिकता तो है कुछ ना कुछ तो आता है अब रिमेंबर मैंने आपको सीनियर मिटन ये सब का पढ़ाया था तो उसमें रिकवरी रेट कितना था 100 का था 100 का रिकवर हुआ तो पचास ही पचास ही मिला फिफ्टी परसेंट तो वही है रिकवरी रेट जब बॉन्ड्स डिफॉल्ट होता है तो कुल से जो मिलता है कंपनी लिक्विडेट होता है बैंक होता है तो एसेट से जो मिलता है जितना क्रेटर्स को मिल पाए उससे पूरा ना पूरा ना मिले कुछ तो मिलेगा तो वो कुछ को हम लोग बोलते हैं रिकवरी रेट ठीक है तो वो कुछ का उल्टा क्या हो गया जो नुकसान होता है उसका उसके लिए एक टर्म पॉइंट है लॉस गिवन डिफॉल्ट लॉस गिवन डिफॉल्ट सिंपल नुकसान डिफॉल्ट होने से जो नुकसान आता है तो वो तो होना ही है क्योंकि सारा रिकवर नहीं हो रहा है तो कुछ लॉस होगा तो लॉस गिवन डिफॉल्ट तो लॉस गिवन डिफॉल्ट को क्या क्या लिख सकते हैं रिकवरी रेट सपोज़ ज़ीरो पॉइंट मैं परसेंटेज में लिख देता हूँ ये बेटर होगा सपोज़ फोर्टी परसेंट है तो एल जी डी कितना हो गया लॉस गिवन डिफॉल्ट सिक्सटी राइट सो दिस इज़ इक्वस टू वन माइनस आर आर इसको मैं आर आर लिख रहा हूँ रिकवरी रेट को ओके सो वन माइनस जीरो पॉइंट फोर इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स चलो लॉस गेम डिफॉल्ट आपको आ गया और हम लोग अभी इतना देरी से क्या पढ़े थे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है ना नो रिकवरी रेट आ गया अपने को सपोज प्रोबाबलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है इक्वल टू पॉइंट पॉइंट नहीं, टू परसेंट हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लॉस एक्सपेक्टेड क्या हो गया कुछ भी जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस है तो एक्सपेक्टेशन जहां आते हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होता है अपने को लॉस पता है पॉइंट सिक्स का लॉस है प्रोबेबिलिटी कितना लॉस होने का तो एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा राइट गरीम तो हम हम आंसर ही देंगे सीधा बट uh, तुम्हारा आंसर शायद गलत है गरिमा पॉइंट वन टू नहीं आएगा डू जीरो तो पॉइंट ज़ीरो टू होगा ये तुम शायद जीरो पॉइंट टू ले ली है हाँ तो टू परसेंट ऑफ सिक्स परसेंट सिक्सटी परसेंट परसेंटेज कितना वन पॉइंट टू परसेंट है नीरो पॉइंट जीरो वन टू ये हो गया एक्सपेक्टेड लॉस ई एल ठीक है अब ऑथर बोला है यहां पे लिख रहा हूं रिकवरी रेट समझ में आ गया ना इजी कंसेप्ट था कोई डाउट नहीं है यहाँ पे तो ऑथर अब बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है पी और जो आर आर है ये है अपना नेगेटिवली कोरिलेटेड इसका मतलब क्या हुआ बताओ ये नेगेटिवली कोरिलेटेड होता होते हैं इसको तुम लोग इन इकोनॉमिक साइकिल सोचो जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करता है जब इकोनॉमी गंदा परफॉर्म करता है तो क्या होना चाहिए दोनों के साथ सपोज इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी और डिफॉल्ट क्या होगा कम होगा ना हाँ गरिमा एक्शन दिखा रही है ऐसे हाँ और रिकवरी रेट कितना रिकवरी रेट क्या होगा घड़ीमा ऐसे हाँ ज़्यादा होगा तो ये हुआ ना नेगेटिवली कोरिलेटेड एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है और यही जब इकोनॉमी खराब परफॉर्म करेगा इकोनॉमी जब खराब परफॉर्म करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट बढ़ेगा रिकवरी रेट कमेगा क्योंकि वो लोगों के पैसा नहीं होगा लिक्विडिटी इशूज़ होगा तो इसलिए नेगेटिवली कोरिलेटेड इसको तुम लोग और एक व्यू से देख सकते हैं ऑल दो ऑथर बोला नहीं है बट एल जी डी पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है है ना क्योंकि आर आर का उल्टा एल जी डी ठीक है तो दिस इज अबाउट रिकवरी रेट अब रिकवरी रेट के साथ आ गया क्रेडिट ब्रेड ठीक है चलो क्रेडिट स्प्रेड समझते हैं मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था अगर ज़्यादा लगेगा अगर ज़्यादा रिस्क लगेगा तो हम लोग ज़्यादा रिटर्न मांगेंगे क्यों कम मिल लेंगे भाई तुम मेरे को नुकसान कराएगा तो मेरे को ज़्यादा रिटर्न दे यही होता है है ना तो अब ज़्यादा रिटर्न मांग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ अब सपोज गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो सबसे सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं इतना पता है है ना यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सिक्योर बॉन्ड होगा ना क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रहा है गवर्नमेंट के पास है ताकत पैसा जनरेट करने का यूएस डॉलर प्रिंट करने का तो वो तो कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा और यूएस का बात हो रहा है तो द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ है ना तो ये सबसे सिक्योर होता है तो इसका हम लोग जनरली इसका रेट को रिस्क फ्री रेट मानते हैं इसका जो रिटर्न होता है है ना कि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है पैसा लगा तो मिलना ही है रिटर्न तो अब जब हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा रहे हैं दूसरा बॉन्ड्स में तो हम लोग ये रेट में खुश होंगे हम लोग क्यों लगाएंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भाई जब हमको ये सेम रेट अगर हमको यूएस गवर्नमेंट हम बॉन्ड में मिल रहा है सिक्योर्ड है कि डुबाएगा नहीं तो हम लोग इसमें लगाएंगे हम लोग इसमें क्यों लगाएंगे अगर ये सेम रेट ऑफर करेगा तो है ना है ना तो इसलिए इन्वेस्टर आर एफ के साथ इसको आर एफ लिखते हैं एक रिस्क प्रीमियम डिमांड करते हैं ये रिस्क प्रीमियम ये सब जगह आएगा आप लोग का यह इक्विटीज में भी रिस्क प्रीमियम डिमांड होता है बॉन्ड्स में भी होता है सब जगह होता है अब यह रिस्क प्रीमियम ही एक रिस्क प्रीमियम है वन ऑफ द रिस्क प्रीमियम जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्रेडिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड आता है आर एफ के साथ एड होता है तब एक रिटर्न आता है तो जो नुकसानदेही बॉन्ड्स है मतलब जो हाई हिल्ड बॉन्ड्स है या स्पेकुलेटिव ग्रेड है उसका जैसा मैंने कहा था स्प्रेड हाई होना चाहिए ज़्यादा रिटर्न मांगेगा ठीक है एच वाई और ये लो होगा मतलब कम्पेरेटिवली रिलेटिवली लो होगा फॉर आई जी बॉन्ड्स आप समझ में आया क्रेड स्प्रेड का मतलब जिसको डाउट था गरी मा दो मिनट ब्रेक मिलेगा ओके ठीक है दो मिनट का ब्रेक ले लो थर्टी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स पे अपने वापस रिक्रूव करते हैं ओके

मेरा आवाज आ रहा okay. okay. so, है ओके क्रेडिट स्प्रेड वंस अगेन सर ओके तो क्रेडिट स्प्रेड वंस अगेन सर रोहित का क्वेश्चन है सो so, रोहित आपको ये समझ में आया कि मतलब रिस्क फ्री रिटर्न होता है जो यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है जो बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं तो हम लोग रिस्क फ्री रिटर्न से खुश रहते हैं कि मतलब हाँ इतना रिटर्न देगा सपोज टू परसेंट है रिस्क फ्री रिटर्न इज टू परसेंट इतना यू गवर्नमेंट दे रहा है तो हम लोगों का टू परसेंट ही रिटर्न चाहिए और हम लोगों को एकदम सिक्योर्ड जाना है एकदम रिस्क एवर्स का हाइट्स है वो इन्वेस्टर तो वो जाएगा यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अब थोड़ा सा भी जिसका रिस्क का वर्जन कम है तो वो तो चाहेगा ना थोड़ा रिस्क ले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में प्ले करे थोड़ा हाई रिटर्न कम आए तुम टू परसेंट से खुश तो नहीं रह सकता तो चाहेगा ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रिटर्न हो है ना तो वो एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए फिर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है इट कैन बी आईधर आईधर आई जी आई जी बॉन्ड्स एच वाई बॉन्ड्स फिर ऊपर से सीनियर बॉन्ड्स हो सकते हैं जैसा पूजा ने कहा था फिर ऊपर से ये भी हो सकता है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है कुछ भी मैंने इसको सब सबको इसमें इंक्लूड कर लिया है तो इसमें जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग थोड़ी ना आर से खुश रहेंगे वो टू से थोड़ी खुश रहेंगे हम लोग तीन परसेंट मांगेंगे सपोज रिस्क प्रीमियम अगर वन परसेंट है तो टोटल आएगा थ्री परसेंट थ्री परसेंट मांगेंगे या फोर परसेंट मांगेंगे डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग्स एंड रेटिंग एवरीथिंग कि कितना सिक्योर बॉन्ड्स है क्या है जितना हाई सिक्योरिटी उतना कम स्प्रेड मांगेंगे जितना लेस सिक्योरिटी उतना ज़्यादा स्प्रेड मांगेंगे तो इस रिस्क प्रीमियम को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड बोल रहे हैं और ये 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 यहाँ पे दिया हुआ है कि हाई यील्ड बॉन्ड्स का नाम से ही देखो ना हाई यील्ड है तो मतलब इसका यील्ड जो है ये हाई है हाई है तो इसका मतलब कि क्रेडिट स्प्रेड ज़्यादा है क्योंकि रिस्क प्रीमियम रेट तो सब जगह सेम ही रहेगा यूएस का बॉन्ड का तो रेट बदलता नहीं है तो इसलिए क्रेडिट स्प्रेड हाई बॉन्ड्स का हाई होता है आई जी बॉन्ड्स का लेस होता है क्लियर रोहित एनी मो डाउट रोहित हाँ इज क्रेडिट स्प्रेड हियर राइट नाउ ठीक है मूविंग ऑन सो एक क्रेडिट स्प्रेड का एक वो दिया हुआ है लोग मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्रेडिट स्प्रेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये कोड में दिया हुआ है इसलिए मैं करा रहा हूँ बट जनरली क्रेडिट स्प्रेड ऐसे मैंने देखा नहीं है होते हुए तो इसमें कोड में दिया हुआ है तो एग्ज़ाम में आ सकता है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ तो यू रिमेंबर लास्ट सेक्शन में रिकवरी रेट वाले सेक्शन में अपने एक्सपेक्टेड लॉस निकाले थे है ना अब वो एक्सपेक्टेड लॉस एक टाइम पीरियड के लिए होगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट लिए थे अपने वो या तो फाइव इयर्स के लिए लिए होंगे या फोर इयर्स के लिए या थ्री इयर्स के लिए तो अपने मान के चल रहे हैं फाइव इयर्स के लिए लिए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट फाइव इयर्स के लिए लिए थे लॉस गिवन डिफॉल्ट था अपना एक्सपेक्टेड लॉस आया आ, इसी साइड एट क्या ले एट परसेंट ठीक है तो अब पर ईयर क्रेडिट स्प्रेड क्या हो जाएगा वो निकालना है फॉर ये फाइव ईयर्स का है तो पर ईयर क्रेडिट स्प्रेड जो ऐड होगा रेट के साथ पर एनम वो हो जाएगा एट बाई फाइव ठीक है हम्म, कितना आएगा वन पॉइंट सिक्स परसेंट वन पॉइंट सिक्स परसेंट आएगा अब सपोज आर एफ टू परसेंट ही था तो आर एफ प्लस ये हो जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट तो इतना हम लोग डिमांड करेंगे जिसका भी एक्सपेक्टेड लॉस आठ आठ परसेंट होगा फॉर फाइव इयर्स उस बॉन्ड के लिए इतना रिटर्न हम लोग को चाहिए उस बॉन्ड से तो ये तो क्रेडिट रिस्क था ये क्रेडिट स्प्रेड निकलता है दो रिस्क के लिए मेनली ठीक है एक तो हो गया क्रेडिट रिस्क जो मैं बोल रहा था आपको कि नुकसान हो गया तो क्या होगा और एक है इलिक्विडिटी के लिए ये एक बार हटा दे रहा हूँ इलिक्विडिटी तो so, इक्विडिटी अगर हाई होता है तो क्या होगा क्या लगता है क्या होगा क्रेडिट रेट का अगर बॉन्ड लिक्विड नहीं है तो बढ़ जाएगा राइट गुड एक्शन पूजा बढ़ेगा क्रेडिट स्पेट बढ़ेगा क्योंकि हम लोग रिस्क प्रीमियम ज्यादा मांगेंगे तो दो रीज़न होता है एक क्रेडिट की क्रेडिट इवेंट के लिए कि डिफ़ॉल्ट कर दिया तो क्या होगा और एक लिक्विडिटी के लिए क्योंकि हम लोग जब बॉन्ड सेल करने जाते हैं सपोज हम लोग इन्वेस्ट किए हैं बॉन्ड में अब हम लोग को अल्टीमेटली मतलब कुछ हो गया ऐसा जिसके लिए हम लोग को कैश का रिक्वायरमेंट है तो अगर इलिक्विड बॉन्ड्स है तो वो तो टाइम लगेगा बिकने में या हम लोग को कम प्राइस में बेचना पड़ेगा उसको फायर सेल हुआ तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा कम्पनसेशन मांगते हैं मतलब जितना रिस्क होगा जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा उतना एक्स्ट्रा कम्पेन्सन मांगेंगे हम लोग हायर द रिस्क हायर द रिड ये पढ़े हुए तुम लोग एफिशिएंट फ्रंटेड अभी तक पढ़े हैं एफ इन फ्रंटिया नहीं आया ठीक है कोई बात नहीं सो so, ये था क्रेडिट स्प्रेड हो गया। अब तुम लोग मेरे को बताओ तुम लोग को और कंटिन्यू करने का मन है कि इतना ही बहुत है आज के लिए रिटेंशन लेवल के हिसाब से हाँ, 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 हो गया गरिमा का हो गया छोड़ो छोड़ो अब ठीक है तो यहाँ पे हम एक बार छोड़ दे रहे हैं ऐसे प्लान तो था हम पूरा कंप्लीट करेगा आज बट मेरे को लग रहा है सबका एग्जॉशन लेवल आ रहा है तो इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आज क्या क्या हुआ तो तुम लोग का रिटेंशन लेवल बेटर होगा सो पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन दिया एक्सटर्नल एंड इंटरनल का इंटरनल में ऑल ट्रेंस को कोड है वो अभी तक पेंडिंग है वो बाद में होगा और एक्सटर्नल रेटिंग्स में हम लोग ने पढ़ा कि टाइप्स रेटिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होते हैं एक्सटर्नल रेटिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं मैं इस पर ही हूँ ना, तुम लोग या तो नोट्स फ़ॉलो कर लो या इसको फॉलो कर लो ये सब ये सब चीज़ देखता है कंपनी का रेटिंग एजेंसीज मेजरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है कंपनी का एसेट्स कितना है लाइबिलिटीज कितना है कैपिटल कितना है ये सब देखता है ये चीज़ हम लोग का आएगा भी ऑल्टमेंट जेडकोर्ड जब करेंगे दे आर सर्टन रेशियोज वी आर गोइंग टू यूज़ तो चाप नहीं लेना है रेशियोज याद नहीं रखना पड़ेगा जहाँ तक मेरे को लगता है क्योंकि बहुत कम जो वो लोग बता देते हैं क्या क्या रेशियोज़ लगेगा ऑल्टमैन जेडकोर्ड के लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हो गया सीनियरिटी ऑफ डेट इशूड हो गया जो तुम बोली थी सीनियरिटी सीनियर मेजनइन ये कोलेट्रल कैसा है उसका क्वालिटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस तो ये हम लोग ने पढ़ा था ये सब देखता है अब तीन टाइप का कंपनीज़ होता है मूडीज एस एन पी एन फच एस एन पी एन फच का सेम रहता है रेटिंग्स ट्रिपल ए से ऐसे नीचे जाता है ये कंसिस्टेंट रहता है ऊपर वाला उसमें प्लस माइनस नहीं होता है उसके नीचे में सब में प्लस ये माइनस ऐसे है और यहाँ तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है बी बी माइनस तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स है उसके नीचे हाई जंग बॉन्ड्स हैं कचरा बॉन्ड्स जिसका स्प्रेड ज़्यादा होता है और ऐसे इसका स्प्रेड लो रहता है अरे यार फिर हम लोग ने पढ़ा कि ये शॉर्ट टर्म रेटिंग्स रेटिंग्स एंस रेटिंग्स पढ़ा पी वन पी टू पी थ्री नॉन प्रीमियम आल आलसी लोक और एस एन पी एन फिच का वी सी डी दिया हुआ है सब कुछ फिर प्रोबेबिलिटीज़ आया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड इधर टाइम टू टाइम थ्री मतलब पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अगर टाइम थ्री है तो और नॉन क्यूलेटिव हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग एट अ टाइम पीरियड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग एट टाइम थ्री पी इक्वल्स टू डिफॉल्ट इक्वल्स टू टाइम थ्री तो ये दोनों ये निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव ऑफ दैट ईयर माइनस क्यूमुलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर ये निकाले इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हज़ार डेट्स हज़ार डेट्स में ही थोड़ा टाइम लगा अपने को हज़ार डेट्स में क्या था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफॉल्ट एट अ सर्टेन टाइम पीरियड विद एट अ सर्टेन टाइम पीरियड विच कैन बी इधर वेरी स्मॉल मतलब कुछ भी तो हज़ार रेट हो गया टी से टी प्लस डेल्टा टी के बीच का डिफॉल्ट रेट ठीक है तो उसका निकालने का तरीका था सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी निकालते थे एक्सपोनेंशियल माइनस टी इन टू एच सिंपल और उसका डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी निकालते थे वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी इन टू एच जो देगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज ठीक है एंड फिर अपने बोले कि क्यूमलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लिया तो नॉन कमुलेटिव कैसे निकालेंगे वो निकालेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल टी वन इंटू एच माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी टू इंटू एच ऐसे ये वाला से तो टी वन टी टू की जगह तुम लोग टू और थ्री बैठा लो बेटर रहेगा एंड क्वेश्चन मैंने दिया ही है हज़ार डेट का और ये एग्ज़ाम्पल है क्या का एग्जाम्पल था ये हाँ मतलब हज़ार डेट निकालने का फ्रॉम डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज क्यूमेटिव डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटीज देगा याद रखना ये क्यूलेटिव डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी है इसको वन माइनस ऐसे लेना है सिर्फ ये मत ले लेना क्योंकि बहुत बार गलती होता है मेरे से भी हुआ हुआ है इसलिए तो ये फिर निकाल ही लोगे सिंपल इक्वेशन है एंड फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया वही सेम चीज़ अगेन बस यूजिंग एक्सपोनशियल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग एट टाइम थ्री गिवेन इटॉल डिफॉल्टिल टाइम एट टाइम टू सॉरी क्यों तो ये इस फॉर्मूला से निकलेगा ईजी वेरी ईजी सर नीचे सर्वाइवल प्रोबिलिटी यही है एंड ये प्रोबाइबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट एट टाइम थ्री नाउ रिकवरी रेट्स रिकवरी रेट्स इज़ वेरी सिंपल कंपनी लिक्विडेट होता है बॉन्ड्स डिफॉल्ट होता है तो उसमें जो कोलैटरल बचता है जो भी कोलैटरल होता है या कंपनी का लिक्विडेशन जो भी एसेट से आता है जो भी हम लोग रिकवर कर पाए जितना मिले उतना अच्छा भाई जितना आ जाए उतना अच्छा एक बार नुकसान हो गया तो जितना वापस रिटर्न कर पाए लेंगे ही तो वही रिकवरी रेट हो गया जित कितना वापस आया है तो अगर वो फोर्टी परसेंट है तो लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट नुकसान कितना हुआ सिक्सटी परसेंट तो एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा एक्सपेक्टेड निकालने के लिए हमेशा इंटू प्रोबेबिलिटी होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लॉस इज़ पॉइंट ज़ीरो टू परसेंट तो उसका एक्सपेक्टेड लॉस आ गया पॉइंट जीरो टू इंटू पॉइंट सिक्स जिस विच इस पॉइंट जीरो वन टू दैट इज़ वन पॉइंट टू परसेंट और फिर हम लोग ने पढ़ा कि रिकवरी रेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ़ डिफॉल्ट इज़ नेगेटिवली को रिलेटेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ़ डिफ़ॉल्ट एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट इज़ पॉजिटिवली को रिलेटेड सिंपल एक ऊपर जा रहा है तो डिफ़ॉल्ट कम होगा रिकवरी रेट बढ़ेगा क्योंकि एसेट्स का ज़्यादा प्राइस मिलेगा लिक्विडिटी ज़्यादा होगा सब जगह तो एसेट का ज़्यादा प्राइस मिलेगा कोई एयरटेल का ज़्यादा प्राइस पे, पे करने के लिए सब रेडी होगा बट अगर इकोनॉमी गिर गया है डिफ़ल्ट रेट जब बढ़ गया है और उसी समय रिकवरी रेट्स भी नीचे आ जाएगा क्योंकि सब उतना एसेड का पे करने के लिए सब अपना बचाने का सोचेगा पहले तो ऐसे लिक्विडिटी क्रंच होगा सब जगह तो कोई उतना पैसा किसी का पॉकेट से निकलेगा नहीं तो इसलिए रिकवरी रेट्स कम होता है इसका क्या तो बोला था ये लोग इसका क्या टर्म है डबल कुछ था एक मिनट डबली बैड बुक में दिया हुआ डबली बैड तो ठीक है कैन इग्नोर सेम फॉर एलजीडी का उल्टा होता है पॉजिटिवली कोरिलेटेड एंड आई थिंक लास्ट था क्रेडिट स्प्रेड क्योंकि बॉन्ड रिस्क फ्री नहीं है दे आर सर्टेड रिस्क विद द बॉन्ड ऑफ डिफॉल्ट दे आर सर्ट रिस्क विद रिस्पेक्ट टू इन लिक्विडिटी तो हम लोग क्रेडिट स्प्रेड डिमांड करेंगे कि थोड़ा रिस्क प्रीमियम हम लोग को एक्स्ट्रा दो थोड़ा रिटर्न तो दो भाई इतना हम लोग रिस्क उठा रहे हैं तुम्हारे लिए तो वो रिस्क प्रीमियम होगा यहाँ पे हम लोग ने वन परसेंट लिया था विच विल बी एडेड विथ रिस्क फ्री रेट सो थ्री परसेंट आ रहा है और इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका हम लोग ने देखा था कि अगर पाँच साल में आठ परसेंट एक्सपेक्टेड लॉस है तो हर एक साल हम लोग रिस्क प्रीमियम कितना ऐड करेंगे विच विल बी एट डिवाइडेड बाई फाइव सिंपल वन पॉइंट सिक्स परसेंट आया तो हम लोग ने ऐड कर दिया दिस इज द एक्स्ट्रा रिटर्न दैट वी वॉन्ट फ्रॉम एनी बॉन्ड विच इज़ नॉट अ यू एस गवर्नमेंट बॉन्ड और एनी गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली बट यू एस डी यू एस गवर्नमेंट इज द सेफेस्ट वन सो इसी को हम लोग रिस्क फ्री मानते हैं ज़्यादातर इंडिया का इंडिया का बॉन्ड भी है तो इंडिया भी डिफॉल्ट कर ही सकता है कोई बड़ा बात नहीं है सो एंड क्रेडिट और लिक्विडिटी मैंने बोल ही दिया आई जी बॉन्ड्स का क्रेडिट स्प्रेड कम होता है हाई हिल्स का ज़्यादा होता है एंड आई सपोज वी आर डन या कोई भी डाउट्स कुछ भी एनी इशूज़ या कहीं भी कितना जितना पढ़ाया उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा पूछ लेना ऐसा नहीं कि अब छोड़ रहे हैं तो छोड़ो चलो यश ने कहा नो गरिमा ने कहा नो पूजा इज फाइन नो डाउट सर फिर से सर कोई बात नहीं भैया आई थिंक वी आर गुड देन तुम लोग वो क्वेश्चन कर लेना है से मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं भी कर कर के लाऊंगा मेरे को भेज देना यार फोटो वाला मैंने कॉपी नहीं किया क्वेश्चन हाँ वही कहीं पे भेज देना मेरे को मैं भी करके लाऊंगा आंसर्स या तुम लोग के साथ बैठ के कर लूँगा यहाँ पे सॉल्व बेटर रहेगा सो आई थिंक वी आर डन एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे रेटिंग प्रोसेस बचा है जो थोड़ा अब थियोरिटिकल है मैथमेटिकल पोर्शनस हो गया सारा नहीं सारा नहीं हुआ एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्ट विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग तो उसमें मज़ा आएगा अदर देन दैट मेजरली थोरिटिकल पोर्शन है तो वो फटाफट हो भी जाएगा ठीक है ऑल गुड चलो कब है नेक्स्ट क्लास गरिमा वो बोल दिया जाएगा आपको ग्रुप में सर मैसेज कर देंगे प्रवीण सर या मैं मैसेज कर दूँगा ये क्लास कब तक रिकॉर्डेड में आ जाएगी शिवम मैं बताता हूँ आपको कंफर्म करके सब कुछ ठीक है सब ग्रुप में सारे अपडेट्स चले जाएंगे शिवम आपका डाउट था मेरे को याद है स्ट्रैटेजी क्या था मैं आपको मैं या तो आ, अभी बोलूँ या क्या करना है आपको आ, मेरा स्ट्रैटेजी मैं बोल ही देता हूँ दो मिनट लग गया सुन लो बियर विथ मी तो मेरा स्ट्रैटेजी बेसिकली एफ आर एम पार्ट वन में देखो यही था मैंने मतलब मैंने भी ट्यूशन्स लिया था उस समय और मतलब मेरा मेन था कि मेरे को मैट अच्छा से मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मैंने मैट तीन चार बार गो थ्रू किया था आई आई यूज ट्राइजर एट दैट टाइम तुम लोग भी कोई कुछ भी डेफर कर सकता है ये दस ट्राइजर और दस और मतलब मैं साथ साथ थोड़ा बहुत नोट्स लिखा दे रहा हूँ तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशियंट एंड एनश्योर देट यू आर प्रैक्टिसिंग राइट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसमें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ही आता है एफ आर एम पार्ट वन का एंड पार्ट टू का भी तो जैसे सी एफ ए का आई रिमेंबर सी एफ एल वन एंड एल एल वन वॉज प्रेटी ईजी कंपेयर टू एफ आर एम पार्ट वन फॉर मी सो इसका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा आप लोग को थोड़ा बहुत घुमाया हुआ रहेगा ऐसा नहीं कि पूरा पेपर घुमाया पड़ेगा बट हाँ रहता है तो प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक दैट ओनली आई थिंक बायोनिक टर्टल भी बोल के एक है जो पब्लिश करते हैं क्वेश्चन तो उसका क्वेश्चन सर अबव अब पार ऑफ एफ आर एम क्वेश्चनस तो आप लोग वो ट्राई करो करने का क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि आप वो पार क्वेश्चन भी कर पा रहे हो एफ आर एफ के साथ तो मैंने वो सब भी सॉल्व किया था उस समय तो और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माथा खुलेगा देखो जितना पढ़ लोगे बट जब माथा जब आप अप्लाई करोगे ना उसमें उस क्वेश्चन में, उस में तो आप लोग को डिफरेंट वेज आएगा करने का डिफरेंट तरीका आएगा करने का एंड क्वेश्चन करोगे हर चीज़ सो इन्श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग इनफ फॉर द एग्ज़ाम दैट इज़ द मेन थिंग एंड टाइम निकालो हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ो हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है लाइक like, अगर फ्लो टूट गया कुछ हुआ अभी जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है सब आ रहा है कब है एग्ज़ाम तुम लोग का एलेवेंथ एलेवंथ में ओके नाइन टू फिफ्टीन है ना हाँ तो उस समय दिवाली रहेगा सब रहेगा तो इंश्योर दैट यू आर स्टडिंग एटलीस्ट इन इन टच विथ एवरी उस समय तो ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा यार दिवाली क्या है दिवाली तो हर साल आएगा एग्ज़ाम है तो इंश्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ आई थिंक दैट सेट और कोई स्पेशल स्ट्रैटी था नहीं हाँ और मैं थोड़ा लेट भी हो गया था एग्जाम में उस समय तो वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ चलो एनीवेज़, आई थिंक हाउ टू रिवाइज शिवम आ, तुम टाइम बांट लेना तुम प्रैक्टिस का थोड़ा टाइम बांट ले और मैट का थोड़ा टाइम बांट ले मैट रीडिंग का एक टाइम सुबह को पढ़ पर, मैट पढ़ो रात को प्रैक्टिस करो या वाइस वर्सा करो दोनों चीज करो और जिस चैप्टर का प्रैक्टिस कर रहा है उस चैप्टर वो वो बुक मत पढ़ो दूसरा बुक पढ़ो जैसे दोनों चीज का वो रिविजन हो और टच में रहे चलो रिवाइज फ्रॉम लेक्चर और नोट्स लेक्चर का आई डोंट थिंक तुम लोग को बार बार दरकार पड़ेगा मतलब एक बार देख लिया आई थिंक दैट्स इनफ नफ अब नोट्स पढ़ लो मैट पढ़ लो तुम लोग के दिमाग में है कहीं ना कहीं है अगर अच्छा से सुना है तो तुम लोग के दिमाग में रहेगा वो चीज़ और आई डोंट थिंक लेक्चर में वापस टाइम टाइम लगाना चाहिए और दो कोई छूट गया कोई पार्ट तो वापस रिव्यू कर लो जैसे मैंने देखा था आपका शायद कनेक्शन इशू हो रहा था बीच में तो बस वो देख लो एंड आई डोंट थिंक लेक्चर बार बार देखने से कोई फ़ायदा होगा और ऑब्वियसली अगर डाउट्स है तो देखो बट ऐसे रिविजन के लिए लेक्चर आई डोंट मतलब मेरे मैं कभी नहीं देखता हूँ मेरे को भी व्यूज़ मिला था साथ साथ व्यूज़ मिला था बट मैं बोला कि वापस मैं बेड ही नहीं कर पाऊँगा यार तुम लोग मेरा आवाज़ बार बार सुन लेगा नहीं ना हाँ मैट रीड करो या नोट्स पढ़ो Okay. I suppose we are good. And Shivam, all questions next class. Okay. Bye bye. Take care. Enjoy your Sunday. Haan, bol, pooja bol. hmm. नहीं यार ऐसा बोलना बहुत डिफिकल्ट है मतलब क्वेश्चंस तो कुछ भी आ सकते हैं ना राइट बुक में है तो आ सकता है तो और भैया बोलते हैं तुम लोग सुना है कि नहीं पता नहीं क्वेश्चन भगवान है क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं हाँ तो कुछ भी आ सकता है ऐसे मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है दोनों चीज़ में ध्यान देना है थैंक यू गायस एक बजे छोड़ दिया कौन पूछा था स्टार्टिंग में मैं